दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कथार्सिस। कथार्सिस एक लिटरेरी टर्म होने के साथ साथ ट्रेजेडी का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे कि इजाद किया था एरिस्टोटल ने। तो आज हम समझेंगे कि यह शब्द क्या है और इसके क्या अर्थ हैं। यह शब्द कथार्सिस, इसे कॉइन किया था एरिस्टोटल ने अपनी रचना पोएटिक्स में। इन्होंने पोएटिक्स में ही पहली बार बताया था कि यह शब्द क्या है और इसके क्या अर्थ हैं और किस प्रयोजन में इसका यूज़ होता है। एरिस्टोटल के अनुसार कैथारसिस एक ऐसा शब्द है जिसे प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स के संदर्भ में समझा जा सकता है। जब कोई स्पेक्टेटर किसी ट्रेजिक ड्रामा को देखता है, तो उसे देखने के दौरान मेन कैरेक्टर के साथ और उसके जो सहायक कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ जो कुछ भी घटित होता है, उन सबको देखकर उसके मन में कुछ इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, और स्पेशली दया के इमोशंस, डर के इमोशंस, सहानुभूति के इमोशंस पैदा होते हैं। ऐसे ही इमोशंस एरिस्टोटल के अनुसार कथार्सिस होते हैं। और कथार्सिस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन और पर्गेशन। तो यहाँ पर्गेशन या प्यूरिफिकेशन किसके पर्गेशन की बात हो रही है? यहाँ थॉट्स के या फीलिंग्स के, इमोशंस के पर्गेशन की बात हो रही है, यानी कि हमारे मन के भावों का शुद्धिकरण होना। तो जब हम किसी ट्रेजिक ड्रामा को या किसी ट्रेजिक वर्क को देखते हैं, तो इस तरह के जो ये इमोशंस हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा हमारे जो भाव हैं या जो हमारा अंतःमन है, उनकी शुद्धि हो जाती है। एरिस्टोटल के अनुसार जब हम किसी सीन को देखते हैं जो कि बहुत ही करुणामय है या बहुत ही दर्दनाक सीन है, तो उसमें हीरो के साथ या मेन जो हीरोइन है उसके साथ अगर कुछ बुरा घटित हो रहा है तो हमें भी दुख होता है। ऐसे सीन्स को देखकर क्या होता है? हमारा मन प्योरीफाई होता है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके प्रति दया की भावना हमारे अंदर आती है, दुख की भावना हमारे अंदर आती है, तो हम मानवीय मूल्यों से कहीं ना कहीं और ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इस वजह से इसे, इन सभी इमोशंस को एक ट्रैजिक वर्क देखने के दौरान जो ये उत्पन्न होते हैं, इन्हें कथार्सिस का नाम दिया गया, जिसका मतलब ये होता है प्यूरिफिकेशन। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू स्टिम्युलेट अ रिलीज ऑफ इमोशंस थ्रू आर्ट। बेसिकली आर्ट के फॉर्म्स के द्वारा जब हम इन सभी इमोशंस को स्टिम्युलेट करते हैं और उन्हें रिलीज करते हैं, तो इसे कथार्सिस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट के अलावा किसी माध्यम से हम इन इमोशंस को रिलीज करें तो उसे भी कथार्सिस कहेंगे। जैसे किसी को दुख देकर या कष्ट देकर उसके अंदर पिटी की फीलिंग या फियर की फीलिंग उत्पन्न कर दे, तो उसे हम कथार्सिस नहीं कहेंगे। हम कथार्सिस सिर्फ उसे कहेंगे जब हम किसी आर्ट वर्क को देखें, किसी ट्रेजिक वर्क को देखें और हमारे अंदर बेसिकली ऐसे इमोशंस उत्पन्न हो जिनसे हमारे थॉट्स का, हमारे हमारे मन का, अंतर्मन का प्यूरिफिकेशन हो जाए, उसे ही हम कथार्सिस कहते हैं। बेसिकली जब एरिस्टोटल के टाइम पर, जब एंशंट ग्रीक लिटरेचर का टाइम था, तो उस टाइम पर जब किसी नाटक का मंचन होता था, तो कभी अगर किसी ट्रेजिक ड्रामा का मंचन हो रहा है और स्पेक्टेटर उसे देख रहा है, तो उसके मन में बहुत सारे इमोशंस उत्पन्न हो जाते थे और इन इमोशंस के माध्यम से उनकी फीलिंग्स प्योरीफाई होती थी। वे मानवीय मूल्यों के प्रति और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। तो ऐसे इमोशंस जो कि एक मानव को मानव होने की याद दिलाते हैं, इन सभी इमोशंस को तब एरिस्टोटल ने कथार्सिस का नाम दिया। अ स्पेक्टेटर गोज थ्रू अ सर्ज ऑफ इमोशंस वाइल वॉचिंग अ ट्रेजिक ट्रेजिक ड्रामा। कथार्सिस इज द टर्म फॉर दोज इमोशंस। द इमोशंस स्पेशली ऑफ फियर एंड पिटी दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द हार्ट्स ऑफ स्पेक्टेटर्स वाइल वॉचिंग अ ट्रेजिक ड्रामा और एनी थिंग लाइक ट्रेजिडी ऑफ प्रोज और पोएम में भी आर नोन एज कथार्सिस। तो ये है कथार्सिस का आशय। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की।